Morning to everyone, or respected faculty members. You people are most important. So it's my honor that, and thank you, Nidhi, for giving this opportunity to discuss and talk to these people. Because, you know, I always say that no matter how good we are, or as players we are doing in the market, but agar hum students ko college ko help karna chahte hain, so these faculty members are the link, right? So, ये वर्चुअल में गिवन है, राइट? बहुत लोगों को प्रैक्टिस नहीं होती जूम वगैरह की. Manila, please have the admin controls with you so that you can mute in case of some accidental unmutes which happens. Yes, right. I did, ma'am. I did. Okay. So I was saying, so Nidhi, you are here till the session, right? I am really sorry. I would not be available till throughout. Okay. But so, since aap hai session mein, to tension nahi. That is fine. Why I said that? Because agar हम बातचीत कर लेते तो वो पर्पस सॉल्व हो जाता, बट ठीक है. एक बार मैं आई टोटली अंडरस्टैंड दैट. तो एक बार मैं बहुत ब्रीफली रहता हूँ. इट्स नॉट दैट यू नो आई हैव टू मेक इट लॉन्ग, और जरूरी नहीं है कि हम दो घंटे डेढ़ घंटे बात करें. जो मेन पॉइंट उस पर मैं बात कर लेता हूँ, विच विल बी बेनिफिशियल. सो व्हाट आई वाज सेइंग, सो निधि यू कैन कभी भी बीच में आप चुपचाप से you can you don't have to thank you so much something. Thank you so much. Okay, and apologies, I'm not able to be there throughout. You have any number thing, I'll take care. So you thank you so much. Yeah, so I was saying that, you know, colleges mein jo bhi innovation center ke faculty members jo head karte hain, they are the link, right? If any investor or ecosystem player is willing to support any college or university बच्चों के इनोवेशन के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, तो दिस वेरी इंपॉर्टेंट कि वहां जो लिंक हो, जो इंटरेक्शन कर रहा हो, जो कि मल्टीपल कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में मैं देखता हूँ, जो एचओडीज होते हैं, जो इनोवेशन के हेड होते हैं, अगर वो अवेयर है कि क्या ऑब्जेक्टिव है इस चीज का, क्या नहीं है. कई कॉलेज में ये प्रॉब्लम है कि भाई जिसको हेड करने के लिए दिया, दे डोंट हैव आइडिया नहीं है. ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, सबने सीखा है, हमें भी आइडिया नहीं था, बट इस तरह के सेशन में एटलीस्ट वील हैव एन आइडिया दैट व्हाट एग्जैक्टली वी कैन लुक फॉर, हाउ वी कैन सपोर्ट आवर स्टूडेंट स्टार्टअप्स और स्टूडेंट्स हु आर विलिंग टू स्टार्ट देयर स्टार्टअप्स. सो आई एम जस्ट गिविंग अ जिस्ट ऑफ हाउ दिस इकोसिस्टम वर्क्स, राइट? एंड दैट विल बी हेल्पफुल. एंड ऑफ कोर्स ऑल आवर फैकल्टी मेंबर्स आर स्कॉलर्स, सो दे विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग. एंड स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू विल आस्क, देन इट विल बी ईजियर फॉर मी. अगर आप लोग कुछ पूछते हैं अपनी तरफ से तो मेरे लिए आसान होगा आप लोगों को आंसर देना और वो बात करना जो आपके लिए रेलिवेंट हो. तो सबसे पहले इकोसिस्टम में जब स्टार्टअप की बात आई है, तो यू नो स्टार्टअप है, एंटरप्रेन्योरशिप है, एक बजवर्ड बना दैट यू नो स्टार्टअप मल्टी बिलियन का राउंड हो रहा है, ये हो रहा है, सबको स्टार्टअप करना चाहिए, करना चाहिए. तो सबसे पहली बात है कि ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा मैं अग्री नहीं करता. सबको बिजनेस, सबको स्टार्टअप करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कुछ लोग होंगे जो अच्छी जॉब में जाएंगे और कुछ लोग होंगे जो स्टार्टअप या बिजनेस करेंगे, और दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है. तो बहुत क्लियरली मैं ये मेंशन करता हूँ कि जो स्टार्टअप कर रहा है वो अच्छा है, और जो स्टार्टअप नहीं कर रहा वो अच्छा नहीं है. एक इंप्रेशन चला जाता है कि यू बिकम अ जॉब क्रिएटर, ये वो सारी चीजें. सो सबसे पहले जितने फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो भी लोग जाते हैं स्टूडेंट से इंटरेक्ट करने के लिए, एक चीज बहुत क्लियर रखना चाहिए कि ये कहीं डिफ्रेंशिएशन या मोटिवेशन करने की जरूरत नहीं है that you do the startup and you don't you are not doing a startup, so ab job creator bano, job seeker mat bano. Ye statement galat hai, kyunki agar job karne wale nahi honge to startup karne wale bhi nahi honge, aur startup karne wale ya business karne wale nahi honge to job karne wale job kahan karenge. So both are complementary to each other, that mission should be passed, right? so my point is apne ko koshish ye karni ki this is statement, but the point is जब जॉब करने की बात होती है तो दिस वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू टेल द स्टूडेंट्स और एनीबॉडी हु इज विलिंग टू स्टार्ट देयर करियर, दैट अगर स्टार्टअप कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, एंटरप्रेन्योर बन रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बट इफ यू नॉट डूइंग दैट एंड इफ यू गोइंग फॉर अ जॉब, यू हैव टू बिहेव लाइक एन एंटरप्रेन्योर, राइट? एंड देयर इज अ डिफरेंस. तो मैं डिफरेंस ये है एंटरप्रेन्योर एंटरप्रेन्योर का, कि एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस करता है, खुद के पैसे लगाता है, सब करता है,
जॉब करने वाले लोग जो कंपनी में जाके कंपनी के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन करते हैं, कंपनी को अपना समझ के काम करते हैं, वो घड़ी नहीं देखते कि ये काम मेरा नहीं है, वो काम मेरा नहीं है, 10 से 5 हो गया, मुझे घर जाना है, ऐसे लोग जॉब माइंडसेट के होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन ये है कि हमको ये कम्युनिकेट करना है, जो इंक्यूबेशन का रोल हो सकता है कॉलेजेस में, दैट एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट होना चाहिए। सी, एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट अ प्रोफेशन, इट्स अ माइंडसेट। आप जॉब करें या खुद का बिजनेस करें, माइंडसेट एंटरप्रेन्योरियल होना चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये कम्युनिकेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी फैकल्टी मेंबर, जो क्योंकि हम जो स्पीकर बन के आते हैं यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में, हम बाद में आते हैं, पहले वहां पे जो बच्चों को एनर्जाइज करना, उस प्लेटफॉर्म को बनाना, माइंडसेट बनाना, वो फैकल्टी मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो आइडेंटिफाई करना कौन से बच्चे हैं जिनका स्टार्टअप में मन है करने का, कौन से बच्चे इनोवेटिव थोड़े लगते हैं, ये आइडेंटिफाई करना कॉलेज के जो हेड्स होते हैं, जो यूनिवर्सिटी में हेड्स होते हैं, उनके लिए आसान होता है बिकॉज रेगुलर इंटरेक्शन में होते हैं, वो बच्चों को जान रहे होते हैं, और हम 1 घंटे 2 घंटे के लिए आते हैं तो उसमें जो ज्ञान देना होता है हम देके चले जाते हैं। सो आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब जो टॉपिक है वो इंक्यूबेशन एंड एक्सेलरेशन, राइट। सो बड़ा इंटरचेंजेबली कभी कभी यूज हो जाता है, बट वहाँ डिफरेंस है। तो इकोसिस्टम कैसे काम कर रहा है, सबसे पहले इंक्यूबेशन, और एक तो प्री इंक्यूबेशन भी होता है, बट वो एक कहने की बात है, वो होता है सबके साथ, सबको प्री इंक्यूबेशन में होना ही होता है। बट अगर हम ऐसे स्ट्रक्चर्ड मैनर में देखें तो इंक्यूबेशन, देन एक्सेलरेटर, देन एंजल नेटवर्क, एंड देन वीसी फंड, राइट। अब सबसे पहले बात समझ लेते हैं कि इंक्यूबेशन है क्या, एंड व्हाई इंक्यूबेशन इंक्यूबेशन इंक्यूबेशन। तो यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, यू पीपल नो वेरी वेल दैट यू नो इंक्यूबेटर वर्ड आया कहाँ से है। तो अभी जैसे कोई अनफॉर्चुनेटली बच्चा प्री मेच्योर अगर हो जाता है, डिलीवरी हो जाती है, तो उसको इंक्यूबेटर में रखा जाता है, जिस जगह पे उसको रखा जाता है, वो माहौल दिया जाता है जिसमें वो सर्वाइव कर सके, उसको इंक्यूबेटर बोलते हैं, राइट। क्यों उसको वो इंक्यूबेटर में रखा जाता है, क्योंकि अभी वो प्री मेच्योर पैदा हुआ है, अभी पूरी तरह से वो इस दुनिया के या बाहर की दुनिया के जो एटमोसफेयर है उसको फेस करने के लिए तैयार नहीं है, और वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए पहले दो जितने दिनों की रिक्वायरमेंट है, 1 महीना 15 दिन 20 दिन जो भी रिक्वायरमेंट है, उतना इंक्यूबेटर में रखा जाता है उसको, सो दैट बाहर के दुनिया को, एटमोसफेयर को झेलने के लिए वो तैयार हो जाए। इन द सेम मैनर जब स्टार्टअप्स होते हैं ना, जब यंग स्कूल के, कॉलेज के जब स्टार्टअप फाउंडर्स होते हैं, तो वो स्टार्टअप कुछ करना चाहते हैं, बट अभी वो पूरी तरह से मार्केट को फेस करने के लिए और मार्केट में सर्वाइव करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, राइट। उनके साथ क्या होता है कि उनको ये नहीं पता कि उनके कॉम्पिटिटर कौन कौन है, उनको ये नहीं पता कि मार्केट में कस्टमर्स क्या सोचना है, प्रोडक्ट की कोई टेस्टिंग नहीं की है, टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप कराना है, गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी मेरी क्या होगी, इन्वेस्टर्स क्या सोचते हैं, कैसे फंडिंग होती है, ये कुछ भी नहीं पता उनको। बस ये पता है कि मुझे स्टार्टअप करना है और ये मेरा स्टार्टअप का आइडिया है, और वो स्टार्ट। तो वो टाइम उनके इंक्यूबेशन का प्रोसेस होता है, जिसमें उनको इंक्यूबेशन में रह के, कॉलेज में इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, AICs हैं, जो भी है वहां पे वो एनरोल करते हैं, और वो मार्केट के लिए अपने आप को तैयार करते हैं 2 महीने 3 महीने काम करके। सो दैट इज वाई दिस इंक्यूबेटर्स जो प्री मेच्योर स्टेज में है स्टार्टअप, जो खुद को लग रहा है कि स्टार्टअप है, स्टार्टअप है नहीं, उनको वो निटिगिटी समझाने के लिए इंक्यूबेशन में सबसे पहले आना होता है। तो दिस इज इंक्यूबेटर। तो अब उसके लिए क्या है कि जो भी कॉलेजेस में स्टूडेंट्स हैं, वो जब आते हैं और आपसे बात करते हैं दैट यू नो आपके इंक्यूबेशन सेंटर में एनरोल करते हैं, तो उसका प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले उनको समझना कि वो करना क्या चाहते हैं। नंबर वन, वो समझने के लिए वो कहानी सुनाएंगे उससे नहीं चलेगा। एक चीज होती है बिजनेस मॉडल कैनवस, आप लोग अगर देखेंगे गूगल पे सर्च करेंगे तो बिजनेस मॉडल कैनवस आपके सामने आता है, एक 1 पेजर होता है जिसमें स्टूडेंट्स से, जो भी पोटेंशियल स्टार्टअप हो सकते हैं स्टूडेंट्स, उनसे आप वो फॉर्म अगर भरवाते हैं, या अगर कई बार तो क्या होता है कि एंटरप्रेन्योर को पता नहीं होता कि मेरे में एंटरप्रेन्योरशिप वाली क्वालिटी है, तो आप कॉलेज में वर्कशॉप कर सकते हैं, वर्कशॉप में वो BMC सारे बच्चों को दे सकते हैं कि तुम लोग, एक वर्कशॉप है इंक्यूबेशन सेल का जहाँ पे ये बिजनेस मॉडल कैनवस बनना है, तुम लोग के दिमाग में जो भी आइडिया चल रहा है, एंड ट्रस्ट मी आप सरप्राइज होंगे आपके स्टूडेंट्स का आइडिया देख देखे, क्योंकि मैं खुद सरप्राइज हो जाता हूँ किसी किसी यूनिवर्सिटी में कि ये बच्चों ने सोच कैसे लिया, लेकिन वो हमको ऐसे पता नहीं होता, जब वो कुछ करके लाते हैं तो पता होता है। तो बिजनेस मॉडल कैनवस में 9 कॉलम्स होते हैं, और वो कॉलम बोलता है कि तुम जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसका मार्केट सेगमेंट क्या है बताओ, यानी तुम किसके लिए बना रहे हो, ये बहुत आइडेंटिफाई करना जरूरी है। अगर आप अपने कस्टमर को या जो यू नो रिसीविंग एंड पे अगर उसको नहीं जानेंगे तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। अब जैसे मुझे पहले से AIC की टीम ने बताया था कि आज फैकल्टी मेंबर्स होंगे मोस्टली अपने सेशन के अंदर, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से, कॉलेजेस से, तो मुझे क्लियर है कि मुझे किस तरीके से और क्या बात करनी है जो उनके लिए रेलिवेंट हो। अगर मुझे पता ही नहीं हो कि ऑडियंस में कौन है,
तो हो सकता है मैं स्टूडेंट से जैसे बात करता हूँ, स्टार्टअप से जैसे बात करता हूँ, वैसे बात कर लूँ, आप लोगों का टाइम भी खराब हो जाए और वो डिलीवरी भी ना हो पाए जो डिलीवरी करनी है. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड आर कस्टमर्स जो भी रिसीविंग एंड पे है. तो आप जो भी स्टार्टअप है अगर वो कुछ करना चाहता है तो उसको पता होना चाहिए कि ये बच्चों के लिए है, बुजुर्गों के लिए है, यंग लोगों के लिए है, रिच लोगों के लिए है, मिडिल क्लास लोगों के लिए है, उसको पता होना चाहिए. दूसरी चीज, उसको वैल्यू प्रपोजिशन पता होना चाहिए कि आपके पास कस्टमर्स क्यों आएंगे. क्योंकि दुनिया में कोई भी स्टार्टअप पे आप काम, कोई भी आइडिया पे काम करोगे तो कोई ना कोई कॉम्पिटिटर आपका होगा, डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, बट कॉम्पिटिटर होगा. ओला और ऊबर के आज भी ऑटो और टैक्सी वाले कॉम्पिटिटर है. तो जरूरी है कि उनको ये कॉम्पिटिटर्स का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, जो नहीं करते बहुत सारे स्टार्टअप, कि हमारे मार्केट में और कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो काम कर रहे हैं, और उनकी अंडरस्टैंडिंग लेके वो अपने में दिखाएं कि हम उनसे कुछ मायनों में अलग हैं और वो कैसे अलग हैं. दैट दे नीड टू राइट. अगर वो लिखने के लिए उनको वो रिसर्च करना पड़ेगा. देन की पार्टनर्स कौन होंगे, की रिसोर्सेज उनको क्या क्या चाहिए, क्या चैनल होगा, ऑनलाइन बेचेंगे, ऑफलाइन बेचेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू बेचेंगे, उनका कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, उनको क्या कॉस्ट मंथ ऑन मंथ लगने वाला है, और अल्टीमेटली उनका रेवेन्यू क्या होगा, कैसे पैसे कमाएंगे. अगर इसका वो रफली आंसर देते हैं तो आप आइडिया का, उनके आइडिया लगा सकते हो उनके स्टार्टअप आइडिया का, कि वेदर दे आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन, कोई फिजिबल बात कर रहे हैं, कोई प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, रियलिस्टिक बात कर रहे हैं, या ये हवा में ही बात कर रहे हैं, इनको आइडिया नहीं है. तो कुछ चीजें आप देखोगे कि वो सही बात कर रहे होंगे, कुछ चीजें होंगी जो गलत बात कर रहे होंगे. वही इंक्यूबेशन का रोल है, वो आइडेंटिफाई कर लेना कि ये बंदे हैं, ये जो फाउंडर्स हैं, ये जो स्टूडेंट्स हैं, दे आर विलिंग टू वर्क, नंबर वन, एंड नंबर सेकंड, दे हैव लिटिल बिट ऑफ क्लैरिटी व्हाट दे वांट टू डू. वो लिटिल बिट भी है तो बाकी चीजों को इनप्लेस करने का काम और सही ढंग से उनको अवेयर करने का काम इनक्यूबेटर का होता है. उसके लिए अगर आपको लगता है उनके मार्केटिंग में चैलेंज होता है तो यू हैव टू फाइंड आउट अ पर्सन इन द इकोसिस्टम जो मार्केटिंग का एक्सपर्ट हो और उसको आप बुलाएं उन बच्चों को मेंटरिंग के लिए. अगर लगता है फाइनेंशियल प्रोजेक्शन में उनको प्रॉब्लम आ रही है, देन यू हैव टू फाइंड आउट समबडी. तो एक स्ट्रक्चर है, पहले आइडिया वैलिडेशन, देन उसके बाद उनका गो टू मार्केट मार्केट टेस्टिंग, गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी, फिर उसके बाद फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, फिर उनका वैल्यूएशन, फिर उनका पिचिंग एंड स्टोरी टेलिंग. ये सारी कहानी है, और ये सारी कहानी में आप एक बार उन बच्चों को आइडेंटिफाई कर ले बिजनेस मॉडल कैनवस से, कि दीज आर द स्टूडेंट्स हु कैन वर्क, और तब आप उनके साथ काम कर सकते हैं. ये तो हो गया स्टूडेंट के पार्ट पे, जो इंक्यूबेशन के हेड बनने वाले हैं और होने वाले हैं उनके लिए, कि इस तरीके से आप जब करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलना चालू होगा. हम यहाँ पे स्टार्टअप चौपाल में भी ये करते हैं तो ही आइडेंटिफाई कर पाते हैं कौन सा स्टार्टअप चल जाएगा, कौन सा नहीं चलेगा, और फिर वैसे ही छाट पाते हैं उनको जब हम इन चीजों पर उनके साथ काम करते हैं. एक बात तो ये हो गई. दूसरी बात ये कि टीचर्स जितने हैं, जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो अभी स्क्रीन पे भी हैं, एक जमाने में क्या होता था कि यू नो आप लोग भी इंक्यूबेशन को, ये एक्सेलरेटर को, ये इकोसिस्टम को अपने लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं. और ये मैं बड़ा हम्बली आप लोगों को बता रहा हूँ, दैट एक जमाने में क्या होता था, कुछ ही सालों पहले की बात है, अभी भी थोड़ा बहुत होता है, कि टीचर्स का सिलेक्शन कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में होता था कि इन्होंने इतने पेपर्स पब्लिश किए हैं, डिफरेंट डिफरेंट मैगजीन्स में, डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स में इनके पेपर्स आए हैं, रिसर्च पेपर्स एंड ऑल, उससे उनके वो बनते थे नंबर्स की भाई ये एक्सपोजर है ये. अब जमाना थोड़ा बदल गया है क्योंकि इनोवेशन की ओर हम भाग रहे हैं. तो नाउ पीपल आर लुकिंग फॉर फैकल्टी, वो ज्वाइन उनको कराना चाहते हैं जिनके नाम पे पेटेंट्स हो या किसी इनोवेटिव आइडिया पे वो काम कर रहे हो, सारी चीजें हो. तो जो भी आप रिसर्च वर्क करते हैं और जो भी आप चीजों पे काम करते हैं, क्योंकि रिसर्च पेपर जो होता है वो पब्लिश हो जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ग्राउंड पे कुछ क्रिएट हो. लेकिन पेटेंट तभी होगा जब ग्राउंड पे कुछ होगा, राइट. तो जिन भी फैकल्टी मेंबर्स के नाम पे कुछ पेटेंट होता है या बहुत लोग काम कर रहे हैं, हर कॉलेज में पेटेंट और आईपीआर का सेल बना हुआ है, तो उनकी उनका वो ज्यादा हो जाता है. अब जो पेटेंट किया, जो इनोवेशन आपने सोचा, उसको कैसे कॉमर्शियलाइज किया जा सकता है, राइट. बिकॉज आप इतनी मेहनत से काम करते हैं, कुछ भी क्रिएट करते हैं, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हाउ यू आर गोइंग टू कॉमर्शियलाइज इट. उस टाइम पे आप हम जैसे लोगों की, या जो लोग भी इकोसिस्टम में है, जो स्टार्टअप की और बिजनेस की दुनिया को समझते हैं, यू कैन वर्क क्लोजली विद देम, वी कैन हैव दिस डिस्कशन. क्योंकि अभी जैसे AIC बनस्थली हो गया, ये हो गया, बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को कॉमर्शियलाइज कर रहे हैं इंक्यूबेशन में आके, और दे आर हैविंग डिस्कशन, दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ इट हैपेंस. हमसे कई लोग डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, दे आर गेटिंग अवार्ड्स एंड एवरीथिंग, इंटरनेशनल लेवल पे पिच कर रहे हैं. तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है. तो एक तो आप इंक्यूबेशन को बनाने में तो सपोर्ट करेंगे ही, एट द सेम टाइम बीइंग फैकल्टी मेंबर्स यू कैन यूटिलाइज दोज रिसोर्सेज फॉर योरसेल्फ आल्सो, अगर आपका इंटरेस्ट है तो. अगर दिमाग में कोई, जरूरी नहीं है कि बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स मुझे कॉलेज यूनिवर्सिटीज में मिले जो टीचिंग तो कर रहे हैं, साथ ही साथ उनके दिमाग में कमाल का आइडिया है और वो हमसे डिस्कस करते हैं, बात करते हैं. कई यूनिवर्सिटीज के दो, ये सजेस्टेड नहीं है, बट कई लोगों ने, दो तीन लोगों ने छोड़ा अपने
वर्क करने के बाद कुछ दिनों में और दे हैव स्टार्टेड एंड दे आर रनिंग देयर बिजनेस वेरी सक्सेसफुली. तो ये चीज है कि वो जब प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, जब लोग आ रहे हैं, तो आप अपने लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, राइट. और जो भी इनोवेशन, जो भी रिसर्च आप करते हैं, वो रिसर्च इनोवेशन के साथ साथ उसको कॉमर्शलाइजेशन का भी हमको प्लान बनाना पड़ेगा, तभी जाके आपकी मेहनत रिटर्न देगी आपको, राइट. और मैं समझता हूँ कि जहां भी आप समय देते हैं, अपनी एनर्जी लगाते हैं, उसका आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होना चाहिए. एक बड़ा लाइटर नोट पे मैं बोलता हूँ कि जनरली लोग कहते हैं कि चलो अपना काम करते रहो, भगवान रोटी देगा, भगवान रोटी देगा. सो यहाँ रोटी का मतलब भोजन होता है, खाने की बात होती है. बट जब हम अपने स्टार्टअप इकोसिस्टम में या इनोवेटिवली बात करते हैं, तो हम बोलते हैं कि यू नो पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज करते हैं. गॉड विल गिव यू रोटी. गॉड का मतलब होता है GOD, यानी कि गो ऑन ड्यूटी. आप ड्यूटी पे जाएं एंड गेट द रोटी. रोटी का मतलब है रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड, राइट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टमेंट यू हैव टू इंश्योर. जस्ट गिव मी वन सेकेंड, जस्ट गिव मी. So return on time invested. तो go on duty के मतलब कि जब आप universities में, college में जा रहे हैं, आपने किसी innovation पे काम कर रहे हैं, honestly काम कर रहे, this is your duty. और अगर आप काम कर रहे हो सही ढंग से, तो रोटी विल बी इंश्योर्ड, दैट इज द रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड. और रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड कब मिलता है, जब आपको पता हो कि रिटर्न आपको लेना क्या है और क्या करना है. तो मेरा सजेशन ये रहता है, बहुत स्ट्रॉन्ग सजेशन, कि जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो टीचर्स इतनी पढ़ाई लिखाई की हुई होती है, तो हमारे से ज्यादा उनके पास दिमाग होता है, स्ट्रक्चर होता है. इफ दे वर्क ऑन दिस थिंग्स, कि कॉमर्शलाइज कैसे किया जाए, इसको बिजनेस मॉडल में कैसे बदला जाए, तो वो बहुत अच्छे फाउंडर्स हो सकते हैं, बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं, बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं. तो दिस इज माई सजेशन दैट इंक्यूबेशन को आप यूज कर सकते हैं. तो दिस इज पार्ट ऑफ इंक्यूबेटर. सो आप जब हेड कर रहे हैं इंक्यूबेशन को, तो यू आर द लिंक बिटवीन द आउटसाइड इकोसिस्टम एंड द यूनिवर्सिटीज इकोसिस्टम, राइट. आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके लिए जरूरी है कि आप पहले अपने इंटरनली आइडेंटिफाई करें कि कौन से स्टार्टअप हैं, कौन से बच्चे हैं. उसके लिए आपको थोड़ा बहुत ये करना पड़ेगा, बिजनेस मॉडल कैनवास या बिजनेस प्लान कॉम्पिटिशन, ये सब करा के. एंड वंस इट इज डन देन यू हैव टू स्ट्रक्चर दीज सेशंस विद देम. तो एक पूरा फॉलो करें, सिंपली आइडिया वैलिडेशन हो गया, गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी हो गया, मार्केट टेस्टिंग हो गई, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन हो गया, वैल्यूएशन कैसे होता है स्टार्टअप का, क्या होता है, पिचिंग कैसे करते हैं इन्वेस्टर के सामने. और इसके लिए वैसे रेलिवेंट लोगों को बुलाएं, सेशन कराएं बच्चों को, और उनको एज अपने पैनल में, अपने इंक्यूबेशन सेंटर में एडवाइजर की तरह, मेंटर की तरह ऑनबोर्ड करें. जैसे AIC JKLU हैज सो मेनी पीपल जो उनके बोर्ड में है, वी आर वन ऑफ देम. सो हम बहुत, इसीलिए हम इतने ज्यादा अप्रोचेबल है, दे कैन आस्क अस एनी टाइम टू कम एंड हैव डिस्कशन, बिकॉज वी आर ऑलरेडी ऑनबोर्डेड एज advisors or mentors or whatever. So, और ऐसे कई लोग हैं, हमसे बहुत कमाल कमाल के लोग हैं. सो ये स्ट्रक्चर करने के बाद ही वो चीजें होती है. दूसरा आते हैं एक्सलरेटर पे. जब ये स्टार्टअप एक लेवल पे आ जाते हैं, जब मार्केट की टेस्टिंग कर लेते हैं, लॉन्च कर देते हैं, उनको गो टू प्रोडक्ट मार्केट फिट मिल जाता है कि अब बेचना खरीदना चालू करना है, और थोड़ा सा ट्रैक्शन हो जाता है, अर्ली ट्रैक्शन, तब एक्सलरेटर का रोल आता है. और एक्सलरेटर, आप सब गाड़ी चलाते होंगे, आपको पता है एक्सलरेटर का मतलब स्पीड बढ़ाने के लिए होता है, यानी कि उसको दबाया तो स्पीड बढ़ेगी, उसको नहीं दबाया तो स्पीड कम होगी. तो अब स्पीड बढ़ाने का टाइम होता है. तो एक्सेलरेटर्स क्या करते हैं कि थोड़ा सा पैसा डालते हैं, यानी फ्यूल डालते हैं उसमें, एंड अपना पूरा रिसोर्स मार्केटिंग का, कनेक्ट और ये सब देके, वो 100 रुपए के रेवेन्यू को 1000 रुपए पहुंचाने की कोशिश करते हैं फाउंडर्स के साथ. तो वो स्पीड वो झेल पाते हैं स्टार्टअप ये इंक्यूबेशन के बाद, क्योंकि उनको सारी कहानी पता चल चुकी होती है कि भाई करना क्या है आपको. तो एक बार वो तैयार है इंक्यूबेशन में, अब उनको भगाना दौड़ना शुरू करना है. यानी सेम मैनर में जैसे मैंने बच्चे का एग्जाम्पल दिया, कि एक बार इंक्यूबेशन में रहने के बाद वो दुनिया में आ गया, और अब वो स्वस्थ है, खाना पीना खा रहा है, उसको दिया गया, अब अपने पैरों पे खड़ा हो गया, अब वो दौड़ेगा, अब रेस में हिस्सा लेगा, भागेगा, उसके बराबर के बच्चे दौड़ रहे होंगे. जिंदगी भर हम रेस में ही होते हैं, आपको पता है, जो कि रेस में होना अच्छी बात है, बट रैट रेस में होना अच्छी बात नहीं है. तो हम सबको रेस में रहना पड़ेगा. जैसे हम लोग जिस काम में है उसमें और भी काम करने वाले, तो हम स्पीड बनाए रखेंगे, हम 2 दिन रुकेंगे तो लोग आगे निकल जाएंगे. इसी तरह आप लोग, तो एक फेयर और वो कॉम्पिटिशन लाइफ में चलता रहेगा एंड ऑफ द डे, बट रैट रेस नहीं होना चाहिए. दैट इज कि ये चल रहा है तो ये मुझे भी करना है, ये चल रहा है तो मुझे भी करना है. बट पॉइंट ये है, क्योंकि तो वो बच्चा जब दुनिया में आएगा, अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, उसके बाद ही कैन ट्राई टू रन और डू दिस, पार्टिसिपेट इन दीज काइंड ऑफ रेसेस. तो उसके लिए इंक्यूबेशन के बाद एक्सेलरेटर का रोल होता है. वो पैसे थोड़ा बहुत डाल के उसके बाद उनकी स्पीड बढ़ाते हैं उनकी.
और जब वो थोड़ा सा 100 को 1000, 1000 से 1500 करने की स्थिति में आता है, तब एंजल नेटवर्क, एंजल नेटवर्क क्या होता है, एंजल नेटवर्क होता है, एंजल बोलते हैं इन्वेस्टर्स को जो अपने पैसे लगाते हैं स्टार्टअप में, इसीलिए उनको, क्योंकि सपोर्ट करते हैं, रिस्क लेते हैं, इसीलिए उनको एंजल बोलते हैं। तो वो इन्वेस्टर्स का ग्रुप होता है, कोई प्लेटफॉर्म होता है जिसमें, जैसे मैं फाउंडिंग मेंबर हूँ गोवा एंजल नेटवर्क का, तो वहां पे हमने 100, 200, 500 इन्वेस्टर्स को ऑनबोर्ड किया हुआ है और हम अच्छे स्टार्टअप्स को उनके सामने प्रोड्यूस करते हैं और वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो ये इंक्यूबेशन एक्सेलेटर से या ऐसे काम करके जो स्टार्टअप मच्योर लगते हैं और लगता है कि इनको पैसा मिलेगा, तो ये स्टार्टअप को 100 का 1000 करने की स्थिति रखते हैं, वो हम ड्यू डिलिजेंस करते हैं, समझते हैं उसको, और फिर वो हमारे जो एंजल है नेटवर्क के थ्रू इन्वेस्टर्स होते हैं उसमें पैसे डालते हैं, जो आप सुनते हो कि 1 करोड़ का, 3 करोड़ का, 2 करोड़ की, 50 लाख की फंडिंग हुई इस स्टार्टअप में, इसने रेज किया, वो होता है। और एक लेवल पे जाने के बाद जब स्टार्टअप बड़ा हो जाता है तो उसको बोलते हैं, तो ये बोलते हैं सीड राउंड, एंजल राउंड और सीड राउंड बोलते हैं जब इनिशियली पैसे उठाते हैं। एंड फाइनली टाइम आता है जब वो सीरीज ए में जाता है या प्री सीरीज ए में जाता है, जहां पे वो एंजल नेटवर्क वाला काम हो चुका था, अब उसको 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ का रेज करने हैं, तो वो कोई इंडिविजुअल तो दे नहीं सकता, तो उसके लिए क्या है कि वेंचर कैपिटल फंड होता है, वीसी फंड जिसको बोलते हैं, उसमें क्या होता है, वो सेबी से रजिस्टर्ड होता है, उसमें कई लोग एक प्लेटफॉर्म पे 10 करोड़, 5 करोड़, 1 करोड़, 1.5 करोड़ रुपए डालते हैं, 25 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ का फंड बनाते हैं, और उसका एक फंड मैनेजर होता है, और वो फंड मैनेजर का काम होता है कि अपनी टीम के साथ अच्छे स्टार्टअप देखे जो उस स्टेज के हैं और उसमें वो पैसे लगाए, जैसे ओला है, उबर है, ऐसे ऐसे जो भी स्टार्टअप्स हैं, ओयो है, इसमें वीसीज ने पैसे लगाए, सिकोया हो गया, टाइटन कैपिटल हो गया, वेंचर कैटलिस्ट हो गया, तो ये लोग उनमें पैसे लगाते हैं। सो ये एक इकोसिस्टम जो स्टेप बाय स्टेप, वो यही है कि इंक्यूबेशन, एक्सेलरेटर, एंजल नेटवर्क एंड देन दिस वीसी फंड। इतनी कहानी होती है एक स्टार्टअप के इकोसिस्टम की। और हमारे जो हेड होते हैं यूनिवर्सिटीज के, कॉलेज के, जो इंक्यूबेशन देखते हैं, उनको सबसे जान पहचान बना के रखने पड़ती है, तब जाके उनका इंक्यूबेशन रिसोर्सफुल होता है। जैसे यहीं के, जैसे मैं JECRC वगैरह को देखता हूँ या कई यूनिवर्सिटीज को देखता हूँ कि वो रेगुलरली लोगों, हमारे थ्रू कई लोगों का रेफरेंस या हर किसी बात पे डिस्कशन करना होता है, डिस्कशन कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, और द पीपल हु आर टेकिंग केयर ऑफ दैट इंक्यूबेशन सेल आर वेरी वेरी एक्टिव। कहीं स्टार्टअप इकोसिस्टम का मीटअप हो रहा है, उसके जो हेड करने वाले लोग हैं वहां पे होंगे और लोगों से कनेक्ट करेंगे, नेटवर्किंग करेंगे, क्योंकि इस गेम में जितना, जितने लोगों को आप जानेंगे उतना ही आप रिसोर्सफुल होंगे और उतना ही हेल्प कर पाएंगे अपने स्टार्टअप्स को या किसी को भी। तो योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, ये समझना पड़ेगा जो लोग इंक्यूबेशन या एक्सेलरेशन देखते हैं, क्योंकि आप अकेले कुछ, मैं खुद जब मैं अपनी कंपनी चलाना शुरू किया था, इतने स्टार्टअप्स के साथ हम लोग काम करते रहे हैं, अब तो नेशनल लेवल पे काम करता है, तो मैं समझ गया था अगर सुमित श्रीवास्तव अकेला करेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। सुमित श्रीवास्तव कोई लिमिटेड चीज की अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, चाहे जितना भी हो, लेकिन ये लिमिटेड से नहीं होता है स्टार्टअप। देन आई स्टार्टेड ऑनबोर्डिंग मेंटर्स, पार्टनर्स, एडवाइजर, एंड टुडे वी हैव पार्टनर्स ग्लोबली, सिलिकॉन वैली में, बोस्टन में, शिकागो में, दुबई में, हर जगह, और सब लोग अपनी एक एक्सपर्टीज लेके आते हैं और उनसे मुझे भी सीखने को मिलता है और मैं और ज्यादा रिसोर्सफुल बनता हूँ अपने स्टार्टअप्स के लिए। और वो कभी इसका एंड नहीं है, किसी दिन मैं सोचूं कि अब हो गया तो वो नहीं हो सकता। एवरी डे आई हैव टू कनेक्ट विद एन नंबर ऑफ पीपल, न्यू पीपल, एंड सेकंड आई हैव टू लर्न एवरी डे। अगर मुझे इंक्यूबेशन जैसी चीज को चलाना है, तो जितने ज्यादा हम रिसोर्सफुल हैं उतना ज्यादा हम स्टार्टअप को सपोर्ट कर पाएंगे, और जितने ज्यादा जैसे इन नॉट ओनली मेंटर्स एंड एडवाइजर, जैसे कोई ई कॉमर्स का आपका स्टार्टअप है तो उसको पेमेंट गेटवे से भी टाइप करना है, तो पेमेंट गेटवे वालों से जान पहचान, तो आज जैसे पेयू मनी हो गया, रिजर्व पे हो गया, हम लोग सीधा जानते हैं, किसी स्टार्टअप को दिक्कत होती है हम सीधा कनेक्ट कर देते हैं कि वो ये देख लेंगे आपका। शिप रॉकेट डिलीवरी जो लॉजिस्टिक देखते हैं ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म को, उनके ओनर्स को, उनके फाउंडर्स को, उनके हेड्स को हम लोग जानते हैं पेटीएम के, तो वो लोग हमको कुछ भी होता है तो स्टार्टअप को सीधा बोलते हैं इनको मेरा नाम लेके कॉल कर लेना। तो ये मेरा नाम लेके कॉल कर लेना जो किया गया है, वो अपने आप को रिसोर्सफुल बनाया गया है ताकि स्टार्टअप्स को दिक्कत ना आए और ये चीजें वो बिजनेस चलाए, अपना स्ट्रक्चर करे, बट हमारे थ्रू उसको ये कनेक्ट्स मिल जाए। तो सिर्फ ज्ञान देने से, कि बहुत आसान होता है कि स्टार्टअप आया उसको कुछ भी ज्ञान दे दिया कि ऐसे नहीं ऐसे कर लो, नहीं, आपको एक टीम की तरह काम करना पड़ेगा, स्टार्टअप्स के साथ जुड़ के काम करना पड़ेगा। यू हैव टू पुट योरसेल्फ इन देयर शूज कि क्या चैलेंजेस उनको है और क्या चैलेंजेस नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिस्पेक्टेड फैकल्टी मेंबर्स को मैं बता दूं कि स्टार्टअप जब चलते हैं ना, तो कोई सिलेबस फॉलो नहीं होता। अगर एक्स फाउंडर है तो उसकी मार्केटिंग बहुत स्ट्रांग है, फाइनेंस में इश्यू है उसका, वाई फाउंडर है उसका फाइनेंस बहुत स्ट्रांग है मार्केटिंग में, तो जब तक हम क्लोजली उनके साथ काम नहीं करते, उनको समझते नहीं है, हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा ये समझना। हो सकता है जिस चीज में अच्छा हो उसी पर हम ज्ञान दे रहे हैं उसको,
और वो समय भी निकल गया, उसके साथ कुछ हुआ नहीं, तो न्यूट्रिशन कहाँ देना है कहाँ नहीं देना है हमको समझना पड़ेगा। और इसके लिए हम जितने ज्यादा अपनी लर्निंग पे ध्यान दें, अपने रिसोर्सफुल होने पे ध्यान दें, तभी हम कर पाएंगे इसको। सो सबसे पहली बात और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, पहली बात तो नहीं बोलूंगा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत सिंपल प्रोसेस है। और एक जमाने में क्या होता था कि भी हम बात करते थे बिल्कुल कॉमर्शियली बी टू बी बी टू सी इसकी, आज के जमाने में एच टू एच है, हार्ट टू हार्ट, ह्यूमन टू ह्यूमन, राइट। अगर आप किसी से कनेक्ट होते हैं तो कनेक्ट होते हैं, वहां कोई फॉर्मेलिटी नहीं रहे तभी आप चीजें कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए आई सी पीपल एंड और अदर पीपल वो हमको रीच आउट करते हैं तो हम सीधा बोलते हैं कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, इफ यू आर सेइंग समथिंग आई विल बी देयर। और ऐसे कई लोग जो इकोसिस्टम में करते हैं ये काम, क्योंकि फिर हमको जब जरूरत होती है तो दे आर देयर विदाउट एनी कंडीशन और एनीथिंग। ये चीजें क्यों हो पाती है, बिकॉज your network is that strong, you are connecting with people, you are talking to them, you are proactive, aur ye cheeze karne pe we can be able to run these kind of organization very very successfully or we can give results. To see most of the universities colleges mein incubation cell or acceleration like jo bhi hai entrepreneurship cell ye banaye jate hain, kyunki NAC mein NAC ke jab log aate hain na wo karne ke to usme requirement hai that aapke yahan e cell hai ki nahi, aapke university cell uske liye bana dete hain। मेरा सजेशन ये है कि अगर आप लोगों को ये जिम्मेदारी मिलती है तो आप एक्चुअली कोशिश करें कि रिजल्ट जनरेट हो। ट्रस्ट में अगर आपने स्टूडेंट्स को इसमें लगाया तो स्टार्टअप, एक कुणाल शाह वो बोलते हैं कि हर स्टूडेंट को अपने कॉलेज में किसी ना किसी स्टार्टअप आइडिया पे काम करना ही चाहिए। स्टार्टअप चल गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी चला तो उसको एक्सपीरियंस इतना मिल जाएगा कि वो नॉर्मल फ्रेशर से 5 गुना ज्यादा एम्प्लॉयबल होगा। और आज के डेट में कंपनी जब हायर कर रही है ना तो वो कितना मार्क्स आया था, कितना स्कॉलर था, उससे ज्यादा ये देखने की कितनी गलतियां किए, इतने कितने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं अपने कॉलेज लाइफ में इसने, और वैसे लोगों को हायर कर रही है वो। और ये बातों से पता चल जाता है, हम भी मिलते हैं कॉलेज में स्टूडेंट्स से तो स्टूडेंट बात करते हैं सर मैंने फर्स्ट ईयर में ये किया था फिर वो चल नहीं पाया था क्योंकि मुझे ये चैलेंज आ गया था, फिर मैंने ये गलती कर दी जिसकी वजह से। तो अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में जाकर उसको ये भी पता चल चुका है कि मैंने ये गलती की थी जिसकी वजह से मैं फेल हो गया हूँ तो भी वो सक्सेसफुल है, हमको समझना पड़ेगा ये। क्योंकि कॉलेज कई लोगों की तो जर्नी कॉलेज में मस्ती की, एंजॉय किया दोस्तों के साथ, जो कि गलत नहीं है, करना चाहिए, लेकिन कॉलेज से निकलने के बाद उनका जीरो से शुरू होता है मामला क्योंकि लाइफ का कोई एक्सपोजर नहीं है। तो मेरा ये कहना होता है कि और आप जैसे जो टीचर्स हैं जो इनोवेशन देख रहे हैं, इंक्यूबेशन देख रहे हैं, या ऑब्वियसली अगर यहाँ बैठे हैं तो जरूर अपने अपने कॉलेज के यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव होंगे इस वाली फील्ड के, तो ये मैसेज आप लोग दे पाएंगे स्टूडेंट्स को कि तुम जो प्रोजेक्ट भी बनाते हो ना थर्ड ईयर में सेकेंड ईयर में जो भी प्रोजेक्ट एक होता है उसको कोशिश करो कि सिर्फ लाइब्रेरी में या वाइवा दे के पास करने के लिए अपने वो प्रैक्टिकल पेपर को मत करो, अपने वो जो पेपर होता है कंपलसरी, कोशिश करो कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करो या इंक्यूबेशन में रह के या लोगों से मिलके कि कुछ कॉमर्शलाइज करने की कोशिश करो, इसको लोगों के लिए बनाने की कोशिश करो, मार्केट के लिए रिसर्च करो, मार्केट के लिए बेचने की कोशिश करो। बिकता है तो अच्छी बात है, नहीं भी बिकता है और नहीं चलता है बिल्कुल तो वो तो ऐसे भी नहीं हो रहा था क्योंकि वो कर भी नहीं रहता, लेकिन इस प्रोसेस में कस्टमर से बात करना, कस्टमर कैसे रिएक्ट करता है, हमने प्रोजेक्शन कैसे बनाया था, हमने प्रोजेक्शन में क्या गलतियां की थी, ये सारी कहानी उसको पता चल जाती है। तो पास होने के बाद जब वो किसी कंपनी में भी जाता है ना तो उसकी ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मैं कह रहा हूँ कि 5 times मिनिमम बढ़ जाती है एम्प्लॉयबिलिटी उन स्टूडेंट्स की जो ये काम कर रहे होते हैं अपने कॉलेज लाइफ में। तो एक इंक्यूबेशन बहुत सपोर्ट कर सकता है ऐसे स्टार्टअप्स को, ऐसे बच्चों को जो ऐसा कर सकते हैं, पोटेंशियल है, बट ये दिमाग में ये चीजें नहीं। कई बार क्या होता है कि जैसे मैं कॉलेज में था तो हो सकता था कि मैं बहुत अच्छा काम कर सकता था बट उस समय दिमाग में ही नहीं था, किसी ने बताया भी नहीं, क्योंकि उस समय आप लोग अगर मेरे टाइम के होंगे 6-7 के बैच के आप लोग तो आपको आइडिया होगा उस समय एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप मेंटरशिप ये सब कुछ होता नहीं था, हम अपना खुद का बिजनेस करेंगे एक टर्म होता था डेफिनेटली, क्या करेंगे वो भी पता नहीं होता था। तो उस टाइम ये था कि कॉलेज पहले खत्म हो जाता है फिर देखते हैं, कॉलेज में थोड़ी सोचना होता है, ये माइंडसेट से मैं था। मुझे लगता है कि अगर उसमें हम लोगों को ज्ञान मिला होता तो मैं जानता हूँ कि मेरे अंदर पोटेंशियल था बहुत कुछ करने का। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा होगा, उनको बस बताने की जरूरत है कि तुम ये कर लो बस, और अगर वो करते हैं तो बिजनेस स्टार्टअप चला दिया उन्होंने तो बहुत अच्छी बात है, और अगर उन्होंने नहीं भी चलाया तो उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाएगी, वो एंटरप्रेन्योर्स बन जाएंगे, किसी कंपनी में जाएंगे तो वो कंपनी को चलाएंगे। ट्रस्ट मी, किसी भी बड़े से बड़े बिजनेस को जब का जो नाम आप सुनते हो तो वो एंटरप्रेन्योर्स नहीं एंटरप्रेन्योर्स चलाते हैं जो उसमें जॉब कर रहे हैं टॉप लाइन में। फॉर एग्जांपल ओयो की बात करें तो ओयो का फाउंडर तो पीआर करने में, इन्वेस्टर्स रिलेशन में बिजी है, उसको चला रहे हैं जो फर्स्ट लाइन के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो लोग एचओडीज हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट है अपने अपने प्रेसिडेंट से अपने डिपार्टमेंट के, किसी का भी आप नाम ले लो, मुकेश अंबानी की कंपनी, मुकेश अंबानी थोड़ी उसको चला रहे हैं अब,
उनके साथ कई उनके फर्स्ट लाइन में लोग हैं जो सारे डील्स करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं. ऑब्वियसली ही इज द ओनर, तो उनको सब पे नजर रहती है सारी चीजों पे, बट ही इज नॉट गोइंग एंड वर्किंग. अगर ये लोग नौकरी की तरह करने लगे, नहीं 10 बजे से 5 बजे तक करूंगा, मेरा ये काम थोड़ी है, तो उसी दिन खत्म हो जाएगी कंपनी. तो या तो वो एंटरप्रेन्योर बन जाए आपके स्टूडेंट्स, या वो एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट के साथ मार्केट में उतरे, तो कम से कम वो जो करेंगे काम वो एंजॉय करेंगे उसको. 90% केसेस में इंडिया में बहुत सारे लोग हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट जो जॉब तो कर रहे हैं, जॉब छोड़ भी नहीं पा रहे और अपने जॉब को गालियां भी दे रहे हैं. भाई अगर गालियां दे रहे हो तो छोड़ दो, बट छोड़ नहीं सकते क्योंकि वो श्योरिटी नहीं है कि छोड़ने के बाद क्या होगा. तो जब छोड़ नहीं सकते तो फिर उसी को उसी में इन्वॉल्व हो जाओ, उसी को प्यार करो. लव वॉट यू डू और वो डू वॉट यू लव, राइट. तो या तो वही शुरू ही करो जो आपको समझ में आता है, जिसको आप प्यार करते हो, या जो कर रहे हो उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाए एक एंटरप्रेन्योर की तरह, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट से, कि उसमें लर्निंग हो आपकी, उसमें क्या. सो मैं इसका एग्जांपल छोटा सा मेरे ऊपर ही दे देता हूँ, इसके बाद मैं कंक्लूड करूंगा. अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होगा तो यू पीपल कैन आस्क, क्योंकि ऐसे तो बोलते रह जाएंगे दिन भर और कई बातें होती हैं. एग्जाम्पल मैं दे दूँ कि मैंने भी पहली जर्नी अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद एक यूनिवर्सिटी ही ज्वाइन किया था इन 2009, और वहां पे मैं 8 महीने 10 महीने रहा था. और मेरा काम प्लेसमेंट सेल को देखना था थोड़ा बहुत, और मार्केटिंग सब्जेक्ट या ये इसकी ना गेस्ट टाइप लेक्चर दे देना था वहाँ एमबीए के स्टूडेंट्स को. तो मैं गया और वहाँ पे, तो मैंने देखा कि मैं दोपहर तक हम लोग फ्री हो जाते थे, तो वहाँ पे जो मैनेजमेंट थी वो यूजीसी को एआईसीटी को प्रपोजल भेजते थे कि भाई नए एफिलिएशन के लिए, फंड के लिए, इसके लिए. तो मुझे लगा कि भाई मैं फ्री हूँ, तो मैं गया उनके पास, हेड के पास, एकदम नया था मैं. और मैंने बोला कि भाई मैं कंप्यूटर साइंस, मेरा बैकग्राउंड तो मेरी टाइपिंग भी अच्छी है, वो क्लर्क से कराते थे तो वो बड़ा मुश्किल से लिखता था, तो मैं कर देता हूँ सर. उसके लिए कोई पैसे नहीं मिलते हैं, आपको पता ही है कॉलेज में कुछ एक्स्ट्रा काम करने के पैसे नहीं मिलते हैं. तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है कर लो. तो मैंने करना शुरू किया. अब चूंकि मैं कंप्यूटर साइंस करता था तो मुझे बोल्ड करना भी आता है, इटैलिक करना भी आता है, जस्टिफाई करना भी आता है, तो डॉक्यूमेंट खूबसूरत दिखने लगे. तो देखते देखते मेरी खूब चर्चा होने लगी वहाँ पे, और आई वॉज नॉट गेटिंग एनीथिंग एक्स्ट्रा फॉर दैट. और रात को 11 बजे तक, बट वो जब काम करने लगा, बातचीत करने में मैं थोड़ा बहुत ठीक था, तो मुझे अकेले आईसीटी में भेजा गया कि जाके डायरेक्टर से बात करके वहाँ पे और ये सबमिट करके आना है. मुझे भोपाल भेजा गया, यूजीसी का भोपाल आता है, यहाँ राजस्थान का भोपाल भेजा. तो उससे मुझे एक्सपोजर जो मिल रहा था ना उस प्रेशर वाले टाइम में, तो अगर मैं सोचता कि मेरे तो 2 बजे काम खत्म हो जाता तो मैं जाके सो जाऊं, तो शायद मैं बाकी लोगों की तरह ही होता. तो मैंने ये किया कि 11 बजे 12 बजे तक काम करना, हर चीज में इन्वॉल्व रहना और ये करना. ट्रस्ट मी, उस समय तो 1 भी रुपया नहीं मिला उसका, लेकिन अब बाद में जाके उसके 8-10 सालों के बाद, अभी जो आप नीति आयोग को या किसी को यूनिवर्सिटी कॉलेज प्रपोजल भेजते हैं ना, तो मुझे एडवाइस लेते हैं और उसके पैसे देते हैं, वो जो पैसे मैं चाहता हूँ. तो पॉइंट ये है कि जब भी आप एंटरप्रेन्योर की तरह काम करते हो और अपने समझ के, और आपको लगता है कि भाई मैं बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ और मुझे पैसे नहीं मिल रहे इसके, वो कभी भी कोई भी भगवद गीता में लिखा है कि सच्चे मन से की हुई मेहनत अपना फल दिए बिना नष्ट नहीं होती. और सेम मेरे साथ हुआ कि आई गेट पेड, जो वो कभी पे नहीं करते उससे ज्यादा मुझे मिल गया है उस वाली लर्निंग की वजह से. और आज अगर यूनिवर्सिटीज कॉलेज मुझे पूछते हैं या मुझसे ये करते हैं, वो तभी पूछते हैं और मुझे तवज्जो देते हैं अगर मैंने उस टाइम एंटरप्रेन्योर की तरह काम किया है. सो दिस इज माई सजेशन टू ऑल ऑफ यू दैट यू नो यूटिलाइज दिस थिंग्स, क्योंकि ये फ्यूचर है, प्रेजेंट है, और अभी आने वाले टाइम में कुछ एंटरप्रेन्योर बनेंगे, कुछ फोर्स्ड एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी का इशू रहेगा तो लोग अपने अपने बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, ये करेंगे. तो अपॉर्चुनिटी बहुत, मैं इस काम में इन्वॉल्व हुआ क्योंकि मुझे आइडिया लग गया था कि आगे 10-20-25 सालों तक यही चलेगा और लोग स्टार्टअप में और इन्वॉल्व होंगे. तो 2017 में जब फ्लरिश हो रहा था तभी मैं आई गॉट इन टू दिस इकोसिस्टम. 2 साल सिर्फ मैंने लर्निंग पे अपने ध्यान दिया कि इस इकोसिस्टम में चलता क्या है, होता क्या है, क्योंकि मुझे इनक्यूबेटर, एक्सेलरेटर और एंजल का कुछ डिफरेंस ज्यादा पता नहीं था. फंडिंग कैसे होती है, शेयर्स कैसे इशू होते हैं, क्या प्रिपरेशन होती है, वैल्यूएशन किसको बोलते हैं, ये सब कुछ पता नहीं था. तो आई गेव 2 ईयर्स टू लर्न दिस एंड देन आई स्टार्टेड माई प्रॉपर मॉडल. और अभी पूरे इंडिया में वी हैव ऑफिसेस, हर जगह पे हमारे स्टार्टअप्स हैं, इन्वेस्टर्स कई हैं, मेंटर्स कई. वो हुआ क्योंकि वो 2 साल, अब कोई सोचे कि मैं घुसा ही हूँ और मेरा पहले दिन से प्रॉफिट होना शुरू हो जाए तो वो भी नहीं होगा. सो आई गेव 2 ईयर्स कंप्लीट टू लर्न द प्रोसेस एंड एवरीथिंग. तो मेरा आप सब रिस्पेक्टेड फैकल्टी मेंबर से इतना ही सजेशन है दैट यू पीपल आर द लिंक बिटवीन द आउटसाइड इकोसिस्टम एंड द यूनिवर्सिटीज इकोसिस्टम. स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात कर रहा हूँ, और आप जितने अवेयर होंगे, जितने लोगों से कनेक्टेड होंगे, उतना ही स्टूडेंट्स का फायदा हो पाएगा, कॉलेज का प्लेटफॉर्म स्ट्रांग हो पाएगा, और बाकी दुनिया हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार है इफ यू आर रीचिंग आउट टू देम. सो दिस इज इट फॉर नाउ. मुझे लगता है कि एक नटशेल में आपको आइडिया लग गया है. अगर आप लोगों के दिमाग में कोई बात हो तो आप बात कर सकते हैं, अदरवाइज
we can definitely conclude this for now. And baki, we can be connected on LinkedIn or we can connect over phone or kuch bhi agar aage karna ho to. So that this is it from my side. Thank you. Sure, sir. Thank you so much. I would be requesting all the participants, if at all they have any queries regarding how to reach out to incubators or how to, you know, promote entrepreneurship in their institution, please come ahead with the queries. Yeah, so we have one question in a chat box. What are the schemes available for faculty members? Like, is there any? Yeah, so Dr. Sheetal, This is Dr. Sheetal. Sorry, actually, my internet connection was not stable, so still I tried to speak. Am I audible to you clearly? Yes, ma'am. Yes, clearly, yes. You are audible clearly. Yeah. So, good morning, Sumit. And I'm working as associate professor with the one of the institution in Delhi. And I'm looking after the IEC council. Now, my question is, like you were saying, that the faculty should also start, you know, getting into it. I, being in the part of Delhi, have been trying to develop the ecosystem for the students. But what I have experienced that, you know, like you were saying, that the faculty members are much better equipped to get into the entrepreneurship journey themselves. So do we have specific schemes, like, because I'm asking you because you have already mentioned that you are in touch with Niti Aayog and all. Yes. So Dr. Sheetal, I got your question, first of all, and I'm really happy that you're talking, you're asking, because it was not expected. So thank you so much for participating. Dr. Sheetal, sabse pehli baat main aapko bahut clearly bataun ki agar hum startup ki aur innovation ki baat karte hain na, to whenever you reach out to any scheme or any investor, तो वहां पे सिर्फ आपका आइडिया, पोटेंशियल और ये सारी चीजें देखी जाती है. ये नहीं देखा जाता कि आप फैकल्टी हो, आप स्टूडेंट हो, आप फीमेल हो, आप मेल हो. ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है जो हमको समझना पड़ेगा. हालांकि गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें कर सकती है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, उसके लिए अल्टीमेटली आप देखोगे जब ग्रो करोगे ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो. फर्क ये पड़ता है कि आपका मॉडल कितना स्ट्रॉन्ग है, क्या सारी चीजें. तो टू एज पर माई नॉलेज देयर आर, अगर आप कुछ आइडिया आपके पास अच्छा है, तो देयर आर सीड फंडिंग स्कीम इन स्टार्टअप इंडिया प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आपको फंडिंग सपोर्ट दे सकते हैं वो. अगर आप कुछ, अगर यू आर फैकल्टी मेंबर, तो वो सेकेंडरी चीज हो गई. अगर आपके पास इनोवेटिव कुछ है, तो टाई का, जो टाई वुमेन का प्लेटफॉर्म है, दे आर सपोर्टिंग लाइक एनीथिंग इफ यू रीच आउट टू देम. सो ये कई प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे ये मिलता है. बट डेफिनेटली हर जगह रिक्वायरमेंट यही है, if you want, you are an entrepreneur, if this idea belongs to you, then it should have that kind of potential where everybody, I mean not everybody, but most of people should believe in it. So jahan bhi apply karoge, aapka potential dekhenge wo, jaise startup india seed fund hai aur tie women ka hai, wahan screening karte hain, wo aapko present karte ho, and if they like your idea, they'll definitely support you by all means. That is number one. Number two, people like us, I mean jo hamare startup chopal hai, goa angel network hai, ye hai, we also prefer to work with so many people jo innovative ideas pe kaam kare, in terms of funding, in terms of guidance and all. To is case mein jo aapne pucha ki specifically for faculty members, तो फैकल्टी मेंबर्स के लिए ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम होता है, या यू नो एंटरप्रेन्योरशिप फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है. क्योंकि अभी तक ना बड़ा सैडली ऐसा है कि टीचर्स को फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम एंटरप्रेन्योरशिप पे कर लो, ये कर लो. अभी भी जो सेशन हो रहा है, इसमें हम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप कैसे कॉलेज में सपोर्ट कर सकते हो, ये कर सकते हो. मेरा पॉइंट ये होता है कि आप कई फैकल्टी मेंबर्स हैं जिनसे मैं पर्सनली भी मिला हुआ हूँ, कई कॉलेज यूनिवर्सिटी में, और आप लोग भी हैं जो खुद भी बहुत पोटेंशियल है उनमें कुछ स्टार्टअप करने का और ये करने का. तो मेरा जो डिस्कशन होता है और जो मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, दैट इज ओनली दैट यू नो आप चूंकि बिजी हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ स्टूडेंट को बताने के लिए और ये इंक्यूबेशन को चलाने के लिए हो. आपके पास कोई आइडिया तो यू कैन ऑल्सो यूटिलाइज दोस. और आप कोई, हम जैसे लोग या कोई भी सेशन में आता है, कुछ में आता है, यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट टू देम, यू कैन पिच योर आइडिया ऑल्सो, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपको हर तरीके का सपोर्ट मिलेगा विच इज रिक्वायर्ड. बट डेफिनेटली यू आर ऑन द ड्राइवर सीट, सो यू हैव टू वर्क ऑन दैट. सो स्पेसिफिकली फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और टू सपोर्ट योर आइडिया, कोई मुझे अभी मेरे सामने नहीं आया है. बट जो अवेलेबल है वो सबके लिए अवेलेबल है, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर स्टूडेंट और योर टीचर और व्हाट. यू शुड बी अ पर्सन हु हैव दैट पोटेंशियल टू वर्क ऑन अ स्टार्टअप आइडिया, हु हैव अ पोटेंशियल आइडिया इनोवेशन. उनको हर तरीके का सपोर्ट रिक्वायर्ड है, प्राइवेट एंटिटीज से भी और गवर्नमेंट एंटिटीज से भी. तो आई सजेस्ट इफ यू गो टू टाइप वुमेन का प्लेटफॉर्म पे, यू कैन सर्च ऑन इंटरनेट, यू विल गेट द प्रॉपर आइडिया. If you go to Startup India Seed Fund Scheme, you will get the proper idea. अगर नीति आयोग के साइट पे जाओगे, you'll get the proper idea. तो वहाँ डिटेल आपको मिल जाएगा उसके क्या नीटिविटीज है ना. बट मेरा सजेशन सिर्फ होता है कि entrepreneur या innovator, entrepreneur होता है, innovator होता है,
वो फैकल्टी नहीं होता, स्टूडेंट नहीं होता, मेल नहीं होता, फीमेल नहीं होता, पुअर नहीं होता, रिच नहीं होता, उसके आइडियाज होते हैं और जब वो कमाल के आइडिया के साथ आता है तो सपोर्ट करने के लिए फिर पूरा इकोसिस्टम लग जाता है उसको, जस्ट दैट यू हैव टू रीच आउट. सो दिस इज माई सजेशन टू दिस. बाकी यू विल डू द प्रॉपर रिसर्च ऑन इंटरनेट एंड यू विल गेट द आइडिया. Thank you so much. Actually, I think, you know, one point I would like to add here, that male or female ka the difference available is, you know, seed capital mein women entrepreneurship ko the lot of schemes are available. However, I think you're right, when you're talking of an entrepreneur, you have to have the same kind of capacity and you have to work on the same level, be it a student or a faculty. But I was only looking at, you know, faculty is little hesitant, you know, whenever they are approaching with the students, you know, because students would make any kind of mistakes and then they are forgotten. And the faculty with an experience of 20 years, then, you know, maybe they would be needing somebody as a separate mentor that, you know, No, that is fine. Could be avoided. Yes. No, Dr. Sheetal, I can totally empathize with you, right? Because students, kya hota hai ki, baki jo jibo se aap baat karoge na, if you are going to talk to me or anybody, they will not judge you. But of course, since you are working with students, they may judge you, right? And you cannot stop that. Wo kar sakti kare. To isme hai ki aap separately hi baat kare. But my point is, you can take their numbers, you can connect with them, and there's so many people in the ecosystem who are working with us as well. तो आप सीधा बात कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, बट हेजिटेंट होने की जरूरत नहीं है और गलतियां तो करनी ही पड़ेगी आपको, राइट. आई ऑलवेज से दैट स्टार्टअप जो भी लोग करते हैं, और आई टेल यू डॉक्टर शीतल, हमारे इंक्यूबेशन में जो हमारे पोर्टफोलियो में लोग हैं 25 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, 30 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, सीईओ की जॉब छोड़कर उन्होंने स्टार्टअप किया एंड दे आर इंक्यूबेटेड विद अस, दे आर इन आवर पोर्टफोलियो. तो उनको मैं एक ही बात पहले दिन बोल देता हूँ कि आपको स्टूडेंट माइंडसेट से रहना है इसमें, और गलतियां करने का पूरा अधिकार है आपका, तो उसमें हेजिटेट मत करना, क्योंकि गलती करने में अगर आप कॉन्शियस हुए तो आप नहीं बना पाओगे चीजों को. नहीं होता है कि मुझे एक्सपीरियंस है तो मैं गलती कैसे कर सकता हूँ, ऐसा कैसे होगा कि आप गलती नहीं करोगे. तो आप गलतियां करो, बट सेम गलती को रिपीट नहीं करना है, दैट इज इन आवर हैंड्स, राइट. तो बहुत लोग हैं जो बहुत मिस्टेक्स होती है, उनसे हम उनसे बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, एंड फिर वो चीजें उनको समझ में आ जाती है, देन गो इट. तो हेजिटेट डेफिनेटली आप मैं अगर आपके इफ आई कीप पुट माय सेल्फ इन योर शूज, आई टोटली अंडरस्टैंड कि स्टूडेंट्स के साथ बैठ के और वो चीजें करने में थोड़ा सा ऐसे रहता है, बट आप जो लोग आते हैं आपके यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, या जिन लोगों से इस तरह के सेशन में आप मिलते हो, यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू देम. लिंक्डइन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, आपको हजारों लोग मिल जाएंगे एंड दे विल प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड यू. वो प्रॉपर्ली आपको बताएंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, और आप उस पर काम कर सकते हो. तो ओवरऑल पॉइंट वॉज वॉट आई वॉन्टेड टू कन्वे डॉक्टर शीतल इज, यू इफ यू हैव एन आइडिया एंड इफ यू हैव दैट क्यूरियोसिटी और दैट हंगर टू वर्क ऑन, डोंट हेजिटेट स्टार्टिंग दैट इन यूटिलाइजिंग दिस रिसोर्सेज. दैट वॉज ओनली माई पॉइंट. क्योंकि बहुत लोग, आई मीन एआईसी वनस्थली इफ यू गो टू, वहाँ के बहुत सारे प्रोफेसर हैं जो वहाँ पे इंक्यूबेटेड हैं एआईसी वनस्थली में, जो हमसे भी कनेक्टेड हैं, जयपुर के जो लोग हैं, एंड दे डिस्कस. तो वो क्लास ले रहे हैं अपना, जो ले रहे हैं, अपने इनोवेशन पे काम कर रहे हैं, हम लोगों से बातचीत करते हैं, अपना आइडिया शेयर करते हैं, पिच करते हैं, सब कुछ करते हैं. और जितने भी इको सिस्टम के रियल प्लेयर्स हैं, वो सारे एंटरप्रेन्योर्स की, इनोवेटर्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. तो अगर आप बातचीत करोगे ना, तो आपको दिखेगा कि कितना रिगार्ड के साथ लोग आपसे बात करें. कोई आपको ऑथोरिटेटिव तरीके से बात नहीं करेगा, कोई आपसे बदतमीजी से बात नहीं करेगा, बहुत रिस्पेक्ट से, बिकॉज दे रिस्पेक्ट ऑल द एंटरप्रेन्योर्स जो पेन ले रहे हैं. तो आप हेजिटेट स्टार्ट करने में मत करना, अगर आपके पास कोई आइडिया है और आपके दिमाग में कुछ है तो, एंड पीपल विल कम टू सपोर्ट यू. और जो ये चीजें बोली है स्टूडेंट वगैरह के साथ, तो दैट यू विल बी एबल टू मैनेज, क्योंकि यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू पीपल, दे विल बी टॉकिंग टू यू, दे विल बी हेल्पिंग यू एज पर देयर कैपेसिटी. एंड किससे हेल्प लेना है, किससे हेल्प नहीं लेना है, वो भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा, बिकॉज यू नो देयर विल बी पीपल विल बी एबल टू हेल्प यू, देयर विल बी पीपल विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू. तो उतने स्मार्ट आप लोग हो दैट यू विल बी एबल टू यू नो डिफरेंशिएट. तो ये है, तो बस स्टार्ट करने में हेजिटेट नहीं करना है, दैट इज ओनली माय पॉइंट. ऑल द सपोर्ट्स आर अवेलेबल. जरूरी नहीं है कि आप क्लास ले रहे हो, पढ़ा रहे हो, तो आप अपना शुरू नहीं कर सकते, अपने पारी को. और दूसरा जो आपने बोला ना वीमेन और मेन का, वीमेन के साथ इसलिए गवर्नमेंट ने कई स्कीम्स निकाला है, सब लोग निकालते हैं, बिकॉज दे वॉन्ट मोर एंड मोर वीमेन टू कम अप. और एक चीज मैं शेयर करूँ क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि वीमेन जो होती है ना, वो बाई बर्थ वो एंटरप्रेन्योरियल स्किल होता है उनके अंदर, और उनको पता नहीं होता, राइट. जैसे आप लोग सब अपनी फैमिली देखते हो, ये करते हो, तो आपने पहले से ही जो बजटिंग करने का और ये करने की जो कैपेसिटी भगवान ने दी है फीमेल्स को, वो मेल्स के पास कभी होगा नहीं, हो बहुत रेयर हो, होता भी है तो 100 में 2 के पास होता है, हमारे पास तो बिल्कुल भी नहीं है. सो माई वाइफ इज बेटर देन मी, शी इज वेरी स्मार्ट, शी नो हाउ टू मैनेज फाइनेंस एंड ऑल. अगर मैंने पैसे सारे अगर इधर उधर कर दिए हैं, तो मुझे नहीं पता होगा कि उसके अकाउंट में अभी भी पैसे हैं. सो दिस इज हाउ शी मैनेजेस. तो उसमें एंटरप्रेन्योरशिप स्किल मेरे से ज्यादा है, इट जस्ट दैट शी इज नॉट गेटिंग इन टू इट, क्योंकि उसको पता नहीं है कि मैं भी जा सकती हूँ उसमें. तो इसीलिए ये रिसर्च कहता है कि वुमेन आर मोर एंटरप्राइजिंग देन मेन. तो इसीलिए
उस चीज के लिए ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि वो अपने स्किल को पहचाने, सामने निकल के आए और एक बेटर एंटरप्रेन्योर बन सके वो जो ऑलरेडी लोग हैं यहाँ पे. सो दिस इज व्हाई वीमेन आर गेटिंग सपोर्ट. इट्स नॉट दैट कोई स्पेशल कोटा दिया जा रहा है, उनको कुछ भी दिया जा रहा है. ये जान के दिया जा रहा है कि दे हैव मोर पोटेंशियल. इट्स नॉट दैट दे आर वीक और दे नो लेस, इसीलिए उनको ज्यादा सपोर्ट करना है, इसलिए कि भाई तुम में ज्यादा कैपेसिटी है, तुम आओ. सो दैट इज व्हाई गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग वीमेन एंटरप्रेन्योर्स. तो एक बार आप स्टार्ट करोगे ना तो आपको सपोर्ट करने के लिए सारी दुनिया आ जाएगी. इट्स जस्ट दैट यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप. और हो सकता है कि आप ऑलरेडी काम कर रही हो उस पे, तो ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच. Thank you so much, sir. I think you have addresses the query very nicely. Even I would like to add that, you know, I mean, ma'am, once you are in the ecosystem, you will be meeting like-minded people, the positive people who will be encouraging you continuously. Yeah. And, you know, despite of gender, age, anything, region, there is no discrimination in the ecosystem once you are in. So yeah, I mean, do not hesitate to come up. If you have it, you know, any idea, you can reach out to any ecosystem player. You can reach out to us, sir, anytime. Yeah. Absolutely. Yeah. Anyone else would like to come ahead? Meanwhile, I would like to ask one question, sir. So as you have, you know, put it yourself in the situation where all the technicians are right now, and you know, define how they can identify the potential startups using business model canvas, BMC. I would also want to know, like, you know, what can be the quick approaches to, you know, promote entrepreneurship, because India is an you know, emerging ecosystem. In a couple of years it has shown drastic change in terms of growth, but still, you know, from my personal experience, whenever I meet people while traveling or, you know, anywhere, still it's, you know, I have to explain what is incubation, where I'm working, for what I'm working. So still there is a lack of awareness in terms of, you know, entrepreneurship. So what can be the quick approaches to, you know, promote entrepreneurship about startups? देखो, एक तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. सबसे पहली बात जो आपने बोला ना, वो आपके ये चैलेंज रहेगा, क्योंकि आज तक ना मैं भी अपने घर वालों को स्पेसिफिकली वो तो नहीं समझ में आता कि मैं क्या करता हूँ, बट दे आर जस्ट हैप्पी दैट माय लाइफस्टाइल इज गुड. तो उनको ये तसल्ली कुछ तो ठीक कर रहा होगा, बट दे आर नॉट वेरी क्लियर, बिकॉज इन माई फैमिली देयर पीपल इन जॉब्स, दे आर इन बैंक, दे आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड ऑल, बट दे आर नॉट इन दिस सिचुएशन. तो वो चीज है. तो देखो वहां पे, और मैं एफर्ट भी नहीं देता, तो मेरा ये कहना है कि वी डोंट हैव टू प्रमोट एवरीवेयर, राइट? व्हाई टू प्रमोट एवरीवेयर? बट एक ये चीज है कि एक चीज मैं ब्रट रूथ बता रहा हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप है ना, ये आप कह रहे हो ना प्रमोट कैसे कर सकते हैं, इट इज ऑलरेडी ओवर प्रमोटेड एंड दिस इज अगेन अ चैलेंज, राइट? क्योंकि कोई चीज प्रमोट या तो लोग नहीं जान रहे होते हैं या जितना जरूरत है उतना जान रहे होते हैं. अब प्रॉब्लम क्या हो गया, गवर्नमेंट ने इतने फंड्स निकाल दिए एंटरप्रेन्योरशिप, नरेंद्र मोदी जी ने वर्ल्ड एंटरप्रेन्योरशिप डे अनाउंस किया, ये किया वो किया, तो अब हल्ला गुल्ला मच गया और लोगों को आइडिया नहीं है कि एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या. तो वो ज्यादा डिजास्टर हो जाता है, एवरीबडी फील्स दैट दे आर एंटरप्रेन्योर, सब लोग मेंटर बनने लग जाते हैं, ये करने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं खराब हो जाता है. सो माई पॉइंट इज दिस इज ओवर प्रमोटेड, बट यस, हर चीज का एक सेगमेंट होता है, राइट? आप अपने मम्मी पापा को, अपने पड़ोसियों को बताने में लगोगे तो यू विल बी एंड अप वेस्टिंग योर टाइम, राइट? सो इससे बेहतर है कि हम वहां इसकी बात करें जहां पे इस चीज की समझ है और ये सारी चीजें हैं, और ये हो चुका है और बहुत तेजी से हो रहा है, राइट? तो या सो मेरा कहना है कि आज के डेट में ना, जिन लोगों को अवेयर होना चाहिए वो बहुत ज्यादा अवेयर हो गए हैं, जिनको अवेयर नहीं होना चाहिए वो भी अवेयर हो गए हैं. और अब जैसे छोटा सा एग्जाम्पल दो, मेरी भाभी है फॉर एग्जाम्पल, तो उनके ब्रदर है कजन, राइट? तो मेरी भाभी बैंक में है सीनियर पोजीशन पे, तो शी वाज टेलिंग मी, वो जानती है मैं स्टार्टअप इकोसिस्टम में, तो शी वाज टेलिंग मी कि मेरा भी कजन है ना, बचपन से हम साथ में खेले कूदे हैं और वो भी कोई स्टार्टअप में अच्छा काम कर रहे हैं. तो मैंने बोला कि क्या स्टार्टअप का नाम है, तो उन्होंने बोला कि देहात करके स्टार्टअप, उसका कोफाउंडर है. एंड डू यू नो देहात आज के डेट में 5,000 करोड़ की कंपनी है, बहुत जल्द यूनिकॉर्न बनने वाली है. उनकी बहन जो बचपन से खेली है उनके साथ, उनको कह रहे हैं कुछ स्टार्टअप में अच्छा कर रहे हैं, और खुद वो बैंक में मैनेजर है, तो सारे खानदान के लोग जानते हैं कि शी इज मैनेजर इन बैंक, राइट? और सबको क्लियर है. तो मेरा कहना, तो मेरी बातचीत हुई, मैंने बोला मिलवाओ उसे, मतलब आई नीड हिम इन माई सिस्टम,
तो मेरी बातचीत हुई फाउंडर से देहात के, तो ही वॉज टेलिंग मी घर वालों के लिए तो हम अभी भी नकारे ही हैं, एंड ही वर्थ इज 5,000 करोड़। तो अब वो बंदा 5,000 करोड़ का स्टार्टअप बनाए या फिर घर वालों को पहले आके बताए कि फिर मैं क्या कर रहा हूँ, उसकी जिंदगी लग जाएगी, नहीं समझ में आएगा। बट ये द पॉइंट टिल द टाइम, सो ये अपने कन्विक्शन से होता है जो भी स्टार्टअप की चीजें होती है। एंड इफ यू आर इन दिस, आपका नाम मनीला, मनीला क्या बताया था, सॉरी आपका नाम, व्हाट्स योर गुड नेम? अच्छा लगता है इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। सो एफर्ट वहां पे नहीं लेना है, अपना एफर्ट लेना है। इफ यू आर इन दिस, अपने कन्विक्शन से काम होता है। यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट्स रॉन्ग, व्हाट्स राइट, हाउ यू कैन गो अहेड एंड वर्क। आई थिंक यू आर टोटली एग्री विद यू। या थैंक यू सो मच। तो आई थिंक वी आर डन फॉर द डे, देयर इज नो क्वेश्चन, एंड वी मस्ट बी थैंकफुल टू डॉक्टर शीतल, एट लीस्ट शी आस्क्ड द क्वेश्चन, शी टुक द लीड, एंड दैट इज व्हाई आई वाज एबल टू say something from my side after your question. So thank you so much, Dr. Sheetal, for participating. Thank you everyone. Yes. So yeah, so now I think we have came to an end of the session. Now again, I would like to thank Sumit sir for, you know, having such a you know, connecting, and I would say the interactive session as well, because I know people are busy, but still they must be having some query. I'll be sharing your email address to them so that they can connect you later if they want. Absolutely, any one of them if they're willing to. That's the yes. Ultimate देखो क्या होता है कि ये जो sessions होते हैं ना, ये connections के लिए, networking के लिए होते हैं। इसमें ज़्यादा ज्ञान काम नहीं करता। It's just that somebody comes and people understand that इसको कुछ idea होगा इस बारे में, तो इससे बात कर लेते हैं। तो इसके बाद जो लोग connect करते हैं, वो ज़्यादा important होता है। And this is the agenda of these kind of things. Yes, absolutely true. So again, thank you so much all the participants to attend. I hope you know, the session met your requirement and to understand the opportunities for you and for your students to reach out to incubators and accelerators and the importance of it. Yeah. So yes, thank you so much, Sumit sir, and all the participants. Thank you, everyone. Thank you. Have a wonderful day. Have a very good day. Yeah. Thank you.